और वो डिजाइन में आपका स्वागत है। तो आज वीडियो बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि आज थोड़ा सा बड़ा स्केच बनाया है मैंने। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला बनाने वाले हैं इसमें, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। तो प्लीज़ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और सपोर्ट करें मेरे को। चलो क्लास 6 स्टार्ट करते हैं ये नेक्स्ट। तो ये स्केच कमांड ली, ओके। इसके बाद आपका उसको खोल लेते हैं। जी आपका आज क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा सा मैंने क्वालिटी पे भी गौर दिया है क्योंकि सबको विजिबल नहीं होता, तो अच्छे से इसमें सब चीज़ विजिबल हो रही होगी। और इसको हम आज बनाने वाले हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे वो दिखा देता हूँ आपको, कहाँ से स्टार्ट करना है सब चीज़ अब पता लग जाएगी यहाँ से। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 98 के डायर से, ठीक है। तो मैं सबसे पहले 98 का ये बना लेता हूँ। इसके सेंटर से पकड़ा, लाइन बना ली, इसको रेफरेंस लाइन कर दी, ऑफसेट कर्व, यहाँ से ऑफसेट लिया 98। यहाँ पे मैं 98 डिवाइड बाई 2, ओके, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है 25 वाला, देख लो 25 डिवाइड बाई 2, ओके, ठीक है। इसके बाद पच्चीस हो गया, 98 हो गया। इसके बाद देखते 13 है ना, 13 वाली हम जहाँ से करते हैं, 14 44 वाली दोनों को देखते हैं। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये लाइन कमांड ली, ये एक करा, यहाँ से ड्राइव लाइन से नीचे 13 mm। फिर अब उसके बाद ऑफसेट कर्व, ऑफसेट 44 डिवाइड बाई 2, अप्लाई। ये नीचे से मेट्रिक कॉल कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये वाली ट्रिम कर दी, इसको भी ट्रिम कर लेते हैं, इसको भी ट्रिम कर देते हैं, बाकी ये रहेगी, ठीक है। ये हो गया, इतना पोर्शन बन गया आपका। ये देते हैं 25 वाली डायमेंशन, इस 25 वाली डायमेंशन को इसके अंदर फीड कर देते हैं जो कि ये वाली है। इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे हम 25 फीड कर देंगे इसके अंदर। ये हो गया आपका मेंटेन 25 mm, ठीक है, इतना क्लियर है। अब जाते हैं हम नेक्स्ट, ये हो गया, ये वाला ले लेते हैं। ये स्टेप लेने के बाद इसको देखते हैं, थोड़ा सा मैं फास्ट करता हूँ, चलो कोई नहीं। एक्सटेंड कर ली रेफरेंस लाइन को, ये भी अपने आप एक्सटेंड होगी क्योंकि रेफरेंस से रिलेटेड है ना ये। ड्राइव लाइन ली, चलो ऑफसेट से करते हैं इसको, दोनों साइड से मेट्रिक करना पड़ेगा। तो 62 डिवाइड बाई 2 अप्लाई, इसको क्विक ट्रिम से ट्रिम कर लेंगे। ये भी ट्रिम कर दी, ठीक है, ये ट्रिम कर दी, ये ट्रिम कर दी। अब यहाँ से नीचे से देखते हैं कितना है, तो ये 62 वाला साइज बन गया। अब वो चलते हैं हम 75, से 75 वाली बनाते हैं इसको। लाइन कमांड
एक लाइन ड्रॉ करी। वैसे भी इससे भी ये 25 mm है ना ये डिस्टेंस का, तो इससे भी इसका डिस्टेंस ले लेते हैं कितना है। अब इसको हम 75 मेंशन कर देंगे। तो ये 25 वाली डायमेंशन टच है ना, तो हमने 25 वाली को ड्रॉ करके यहाँ से ट्रिम कर दिया। सॉरी ये इसलिए ट्रिम होगी पूरी क्योंकि इसको बीच में रोकने के लिए कुछ नहीं लगा रखा, जो कि क्रॉस पॉइंट बनेगा। अब ये ट्रिम हो जाएगी और नीचे से पूरी गायब नहीं होगी ये लाइन, ये देख रहे हो, ये देखो इस टाइप से। तो ये ध्यान रहे, देख करें कि आगे चल के आपको भी ये दिक्कत आने वाली है, तो इनको चीज़ों को समझ के चलें। ये ट्रिम कर दिया, ये हमारा बॉक्स बन गया 62 का, ठीक है 25 वाला, ये 75। आइए कितना क्लियर हो गया होगा आपको, तो ये आ गया है ठीक है। अब चलते हैं 42 वाली डायमेंशन, 42, वही सेम रहेगा ऑफसेट का। इसका सेलेक्ट किया, 42 डिवाइड बाई 2 अप्लाई। इतना होने के बाद इसको भी हमें ऊपर से ट्रिम से ट्रिम कर लेंगे, ठीक है ये बन गया आपका 42 वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, इतना बन गया। अब ये देखो ये 12 वाली ले लेते हैं, ये जो 45 डिग्री में चैम्फर लगाया हुआ है इसको लेते हैं 12, ठीक है। यहाँ से ड्राइव लाइन लेके 12 mm ये आ गया, ठीक है इतना हो गया। अब यहाँ पे ये इसमें एक चीज नोटिस करी, ये आपको डिस्टेंस नहीं दे रखा। अभी दिखाता हूँ कौन सा वाला डिस्टेंस, पहले इसको सेट कर देते हैं। ये यहाँ से जिसमें का यहाँ से तो कोई दिक्कत सी लग रही है ड्राइंग में, एक मिनट चेक कर देता। ये अच्छा ये वाला डिस्टेंस नहीं दे रखा क्योंकि देख कहीं पे भी शो नहीं हो रहा, तो ये देखना बहुत पॉइंट की बात है। ये वाला डिस्टेंस देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही पॉइंट की बात है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अब देखो ये डिस्टेंस निकालना है हमको, ये 45 डिग्री वाले का, तो देखते हैं ना अच्छे से। यहाँ पे एक ड्राइंग सीखने वाली बात है, तो इस यहाँ से आप ध्यान देना अच्छे से कि ये डिस्टेंस नहीं दे रखा, ये 12 और 45 के बीच का ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा डिस्टेंस कहाँ से निकालते हैं, ठीक है देखते रहना, ये ड्राइंग सीखने वाली बात है। अभी 36 mm दे रखा है यहाँ से, ये 25 वाला डिस्टेंस यहाँ से। अब ये क्या दे रखा है, इसके यहाँ से ये टेंजेंट कराना है हमें 62 कट आया, ठीक है तो इतना पता लग गया हम, ये 62 कट आया टेंजेंट कराएंगे हम। चलो अब देखना आप कैसे निकलेगा, ये एक ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो ये आपको लर्निंग हो रही है ड्राइंग की कि हम कहाँ से कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये सारी में ट्रिम करके थोड़ा सा सही कर लेता हूँ इसको। यहाँ से एंगल ड्राफ्ट दे ही देता हूँ 45 डिग्री के दोनों साइड में, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि मैं कह क्या रहा हूँ। ये मैंने यहाँ से इसको ड्रॉप से दोबारा ब्लैक करनी पड़ेगी, ये 45 इतना हो गया, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस निकालना है उसका, तो देखते रहे ना कि किस प्रकार डिस्टेंस निकलेगा, किस प्रकार से ये पार्ट बनेगा। इसको ट्रिम कर दिया, यहाँ पर ड्राइंग सीखने वाली भी चीज़ है तो आपको
समझ में आएगी अच्छे से, और ये नेक्स्ट टाइम से आपको भी दिक्कत नहीं आने वाली। चलो अब मैं 62 का डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। अब कांस्टेंट लगाते हैं, ये वाला पॉइंट, ये 25 वाली जो लाइन है, ये इससे टेंजेंट करानी है, क्योंकि तो आपने देखा होगा ये टेंजेंट कर दिया, देखो ये इस टाइप से हो गई, ये लेवल में एक दूसरे में। अब यहाँ से देख लेते हम डिस्टेंस क्या है, ये देखो ये इसके टेंजेंट है ना 62 वाला बिल्कुल, तब यहाँ से ये 36 mm दे रखी है, तो ये इसका सेंटर, ये यहाँ से लेके इसका हॉल का सेंटर है, ये हटा देता हूँ मैं, ये जो बनेगा वो 36 mm बनेगा, 36 ये बन गया आपका, सेट हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, बस अब तो बन ही जाएगा, अब आपको भी दिक्कत नहीं होने वाली। ये एक्सटेंड नहीं हो रहा क्योंकि मैंने ब्रेक कर दिया, तो इसको मैं मैनुअली टेंजेंट कर देता हूँ यहाँ से, ये टेंजेंट हो गया, इसको मैं ट्रिम कर दिया, ठीक है। इतना बन गया, चलते हैं अब इसको, नेक्स्ट क्या है आपका, 50 का डाया, तो 50 के डाया को नीचे वाली लाइन से यहाँ पे ये टेंजेंट किया हुआ है, तो ये यहाँ पे मैच हो जाएगा, तो इसी के सेंटर में है ये, तो यहाँ पे मैंने 50 का डाया दे दिया। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है 25 का, तो इसको भी हम यहाँ पे इसके सेंटर से ये भी इसको 25 दे देते हैं, ठीक है। अब क्या कर रखा है, ये देखो ये तीनों हो गए, अब इसको यहाँ पे टेंजेंट कर रखा है, इसको यहाँ पे टेंजेंट कर रखा है, ये देखो ये यहाँ पे टेंजेंट है, और यहाँ पे टेंजेंट है, जो कि हमने 62 वाला जो साइज बना रखा है उससे क्रॉस हो जाएगा, और जो 142 वाला बना रखा है उससे क्रॉस हो जाएगा, तो दोनों का हमारा वो निकल आएगा। तो यहाँ से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको सेट कर दिया, इस वाली के लिए इससे यहाँ से सेट कर दिया, और मैं यहाँ पे इनको ट्रिम कर लेता हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रिम है, तो ये वाली जो लाइन है ये यहाँ पहले एक्सटेंड होगी, ये और एक से यहाँ तक, इसके बाद ये एक्सटेंड होगी, और बाकी जो आ रही है वो हम इन्हें ट्रिम कर लेंगे, जैसे कि ये लाइन हो गई, ये भी है, ये भी कटेगी, ये भी, और ये यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से जाएगी, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, और बाकी देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे ये बनाना पड़ेगा, तो इसे बनाएंगे हम ट्रिम करने के बाद। इतना हो गया आपका, और ये भी कटेगी अब इसके लिए, ये भी नहीं है, हाँ ये भी कटेगी, ट्रिम कमांड ली, ये काट दी, ये हटा दी, ये भी हटेगी, और ये भी हट जाएगी, ये बन गया आप, ठीक है। बाकी देख लेते, ये यहाँ पे है, हाँ ये है, ये भी है, ठीक है, इतना हो गया। अब ये लगाते हैं इस वाले के सेंटर में ही है, ये भी 50 का, इस 50 को ऑफसेट कर लेते हैं, ऑफसेट कर्व यहाँ से सिमेट्रिक, 50 25, सॉरी 50 50, दोनों साइड होगी डिवाइड, तो दोनों साइड डिवाइड कर दी, 50 50 25 25, तो 50 हो गया, तो इसको भी अब यहाँ पे नीचे इसके टेंजेंट से ये है 42 mm, यहाँ से यहाँ तक जा रही है 42 mm, किस वाली है ये, तो अब हम यहाँ से नीचे से चलेंगे इसको 42, अगर हमने यहाँ पे कट दिया तो ये वाला गैप हमारा मेंटेन हो जाएगा। यहाँ से अगर करेंगे ये वाला यहाँ तक 42 mm, बिल्कुल ठीक है। चलो ये वाला बनाते हैं अब हम, 42 वाला, और ये ऊपर से 12 हो गया, बीच का डिस्टेंस हमारा ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा, जो कि हमें पता भी नहीं है, लेकिन हमारा निकलेगा ये वाला, यहाँ से अभी जो ये हमने टेंजेंट करा रखा है इससे। चलो यहाँ से मेरे को 42 mm 42 रीड करना है ड्राइव लाइन से, यहाँ से लिया 42, और इसको देखो अब ये हो गया 42 यहाँ से, क्योंकि ये निकल गया है हमारा जो 50 का डाया बनना है उससे टेंजेंट करा रखा है, उससे टेंजेंट कराते हुए 42 mm ऊपर ऑफसेट करना है बस,
42 mm, तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। इससे हमें बाकी जो गैप बचेगा बाहर और इसके बीच में, उसका हमें नाम पता लगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी डायमेंशन तो सही हो जाएगी ना। तो ये हो गया आपका। अब मैं इसको ट्रिम करके, ये इसको थोड़ा यहाँ से ट्रिम करके इसको एक्सटेंड कर देना पड़ेगा, ये वाली लाइन डिलीट करनी पड़ेगी क्या? चेक कर लेते हैं, 50 वाली है ना? यस, ये 50 वाली है। तो ये कटी, ये कटी, ये कटी, इसको ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया, इसको भी ट्रिम कर दिया, और ये भी ट्रिम हो गई। ठीक है, अब ये भी ट्रिम कर देते हैं, इनको भी ट्रिम कमांड लेके छोटी अच्छी गलत कर दिया, ये ट्रिम गलत हो गया था यहाँ पे, ये हो गया सेट। अब इसको यहाँ से एक्सटेंड करके यही बनेगी ना, इसको ट्रिम कर दिया, इसको भी ट्रिम कर देंगे, और इसको भी ट्रिम कर देते हैं, इसको भी ट्रिम कर देते हैं, ये हो गया आपका। इनको भी हटा लेता हूँ एक बार, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को भी। लाइन लगानी पड़ेगी यहाँ पे, लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन ट्रिम नहीं हो रही, इसमें कोई ना कोई फॉल्ट हो गया हमसे स्केच में। चलो इतना तो हो गया। अब ये फ्लैट लगाते हैं, क्योंकि फ्लैट लगा रखे हैं उसमें, तो इसको नहीं लेंगे हम, इस वाले को लेंगे जो कि ट्रिम नहीं करती, अनट्रिम फ्लैट लगाएंगे इसको, ये पॉइंट पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, तो 5 का लगा देते हैं हम लालो। ठीक है, ये 5 का बाहर जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो एक सिर्फ स्केच बनाना है, क्योंकि तो उसमें स्केच में मेंशन नहीं कर रखा था, इसलिए मैं 5 का लगा रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी इनको पीछे वाले को ट्रिम कर देंगे, ये इसको कर दिया, इसको कर दिया, इनको भी कर देते हैं ट्रिम। ये पता क्यों कट गया? क्योंकि ये ब्रेक नहीं हो रहा, अब इसको मेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा, अब ये आपस में टच हो गए, अब यहाँ से मेरे को ट्रिम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से ये वाला। ठीक है, तो यार सपोर्ट कर देना प्लीज, वीडियो को शेयर कर दिया करो, यहाँ से भी एक्सटेंड करा, ये ट्रिम कर दिया, ये बन गया, इसको भी ट्रिम कर देते हैं, बाकी ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं देखता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है, उसको काट लेते हैं, ये तो रहेगा, ये आपको क्लियर। अब देखते हैं इसमें, यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1 2 3 4 5 6 पाँचों जगह बंद कर रखा है, इसको यहाँ पे बंद करना पड़ेगा, ये भी बंद है नीचे वाला, ठीक है, इसको भी बंद करना पड़ेगा, और देखते हैं नीचे भी बंद है, ये भी बंद है, और ये भी बंद है, ये भी बंद है, और ये भी बंद है, चलो सबको बंद कर देते हैं यहाँ से, ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, सारे बंद हो गए, ये भी बंद हो गया। ठीक है, ये बन गया आपका। अब मैं इसको थोड़ा सा सोक रहता हूँ कि इनको हाइड कर देते हैं। प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर पाएँ अपने यार दोस्तों से, और वीडियो को शेयर करें, व्यू भी बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज़ हेल्प करें, धन्यवाद।